हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ कंट्रोवर्सीज पढ़ी थी, जिसमें हमने एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड कंट्रोवर्सीज पढ़ी थी। उसमें हमने पढ़ा था कि फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था उसमें मतलब डेवलपमेंट के लिए एक्सपेक्ट किया गया था, प्लस बट स्लो डेवलपमेंट के लिए किया गया था। एंड आफ्टर दैट जो मतलब दोनों एस्पेक्ट से, मतलब कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट था इंडिया के लिए जितना कि ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट था वो था कि उसके अंदर तो क्या था, इंडिया की फूड नीड जो थी वो पूरा होना था, जबकि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था वो जो एक फाइनेंशियल बूम के लिए, मतलब एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट और इसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इसके ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसके जो कि किसके थ्रू पॉसिबल थी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के। उसके बाद हमने कुछ कंट्रोवर्सीज में जो नेक्स्ट पढ़ा था वो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के लिए पढ़ा था। हमने प्राइवेट सेक्टर में जो दो उसके सपोर्टर थे उसके अंदर ये था कि जो पब्लिक जो प्राइवेट सेक्टर, उसको गवर्नमेंट ने उतना सपोर्ट नहीं किया था। एंड सेकेंड क्या था, प्राइवेट सेक्टर में प्रॉब्लम ये आ रहा था कि उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ थी, लाइक परमिशन लेना, लाइसेंस करवाना, परमिट लेना, मतलब ऐसे बहुत सारी टर्म कंडीशन थी प्राइवेट सेक्टर में, है ना। इसके अंदर मैंने फिर नेक्स्ट पे तुम्हें बताया था पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर में, ऊपर थोड़ा सा पीपीटी में मिस्टेक था, उस वजह से मैंने तुम्हें बोला था सपोर्टर ऑफ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर, बट नो वो नहीं था। इसके अंदर ये है कि कुछ क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को भी लोग सपोर्ट कर रहे थे, मतलब दो सॉरी कभी कभी हो जाता है ऐसा प्रॉब्लम। तो क्या था कि पब्लिक सेक्टर को भी लोग सपोर्ट कर रहे थे एंड प्राइवेट सेक्टर को भी सपोर्ट कर रहे थे, और दोनों सेक्टर को क्रिटिसाइज करने वाले भी बहुत सारे थे। उसके अंदर था कि जो मेनली जो क्रिटिसिज्म चल रहा था वो उसके पॉइंट्स ये थे कि रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन इम्पोर्ट डिनाइड द अपॉर्चुनिटीज फॉर द इंडियन फर्म्स टू कम्पीट विद मल्टीनेशनल कंपनी। मतलब ये था कि जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर, मतलब जो गवर्नमेंट थी, वो कहीं ना कहीं फॉरेन इम्पोर्ट को जो अपॉर्चुनिटीज़ को जो डिनाई कर रही थी, उसके ऊपर ये लोगों को ये प्रॉब्लम था कि ये जो इंडियन फर्म्स जो इसको इस अपॉर्चुनिटी को जो मिस कर रही है, उसमें प्रॉब्लम ये हो सकता है कि ये जो हमारे यहाँ की जो कंपनीज है, जो इंडियन फर्म्स है, वो कहीं ना कहीं मल्टीनेशनल कंपनीज से कंपीट नहीं कर पाएगी। सो नो इंसेंटिव्स टू इम्प्रूव फॉर इंडियन कंपनीज, मतलब इंडियन कंपनीज के इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ इनिशिएट्स नहीं लिए गए थे, ऐसा मतलब जो क्रिटिक्स थे उनका मानना था। इन एफिशिएंसी एंड करप्शन इन पब्लिक सेक्टर। अब क्या हुआ था कि कुछ का कहना था कि ये जो पब्लिक सेक्टर जो बना है ना, मतलब प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर बना है उसमें कहीं ना कहीं करप्शन है और इनएफिशिएंसी है, ये क्रिटिक्स जो क्रिटिक्स थे उनका मानना ये एक, और ये भी था कई बार ये जो एक ओपिनियन है पब्लिक सेक्टर के लिए, लाइक जैसे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, वो ये आज भी है ये ओपिनियन, क्योंकि कहीं ना कहीं इनएफिशिएंसी एंड करप्शन का प्रॉब्लम फेस करते हैं। इसलिए स्टेट इज इनएक्टिव इन पब्लिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। अब ये था कि जो पब्लिक सेक्टर के उसके कारण स्टेट कहीं ना कहीं पब्लिक एजुकेशन और हेल्थ केयर के जो पॉइंट्स थे, जो कि उस वक्त काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ करते थे, उन पे फोकस नहीं कर रहा था जो स्टेट था वो, एंड स्टेट इंटरवेंटेड ओनली इन लेस प्रॉफिटेबल सेक्टर्स। मतलब जो स्टेट था वो उन्हीं सेक्टर्स में जा रहा था जहाँ पे कम से कम प्रॉफिट होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए वो नहीं कर रहा था इनिशिएट। स्टेट इंटरवेंशन डिडंट हेल्प द पुअर, इट क्रिएटेड अ मिडिल क्लास। अब क्या हुआ था कि ये जो एक पब्लिक सेक्टर की वजह से क्या होता है, जो पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज थे उनके कारण एक नया क्लास क्रिएट हुआ था, वो था मिडिल क्लास। ये क्रिटिक्स का मानना था कि जो पुअर है उनकी हेल्प नहीं की गई है, जबकि एक नया क्लास आई रियली नीड सम एनर्जेटिक
ओके फाइन, ये था कि जो स्टेट था वो कहीं ना कहीं जो पुअर की है, पुअर जो पॉवर्टी पर जो लोग हैं उनकी हेल्प नहीं कर रही है, वो उन्होंने एक नया ही क्लास क्रिएट कर दिया है, मिडिल क्लास, जो कि मोस्टली कौन थे, पब्लिक सेक्टर के जो एम्प्लॉयज थे। अब ये प्रॉब्लम क्यों आई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज थे वो फिक्स हो चुके थे कि हाँ उन्हें इसी उस सेक्टर में काम करना, और उनका जॉब फिक्स था। दैट्स वाई वहाँ पे इनएफिशिएंसी भी थी, करप्शन भी था। तो इसलिए, क्योंकि इनएफिशिएंसी का रीज़न ये था कि जब उन्हें पता है कि उनका जॉब फिक्स है तो वो और एफिशिएंट नहीं हो रहे थे। वो मतलब ठीक है, जैसे चल रहा है काम हो रहा है, जैसे उस प्रोसेस से होने, तो वो कुछ इनिशिएट नहीं लेते ले रहे थे, कोई डेवलपमेंट के लिए नहीं सोच रहे थे, कुछ चेंजेस लाने के लिए। और इस बीच में करप्शन का प्रॉब्लम भी काफ़ी बढ़ गया था। अब इसके इन सबसे मेजर आउटकम्स क्या हुए थे? थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफिकल्ट टू रियलाइज, लैंड रिफॉर्म्स वर नॉट इफेक्टिव पावर इन द हैंड्स ऑफ लैंड ओइंग क्लास, बिजनेस क्लास वर द मेजर बेनिफिशियर, पॉवर्टी डिड नॉट रिड्यूस। अब जो उसका आउटकम क्या हुआ था कि लैंड जो रिफॉर्मर्स थे, मतलब जो लैंड की जो लैंड ओनर्स के पास में ये पावर थी, तो बेनिफिट मेनली उन्हें ही हुआ हो रहा था। सेकंड जो हुआ था, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियर जो रहा था वो ग्रुप रहा था, बिजनेस क्लास ग्रुप रहा था, उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था इन सब चीज़ों का। और जो पॉवर्टी थी वो जो वो पॉवर्टी थी वो कहीं कहीं भी रिड्यूस नहीं हो रही थी। एक पॉवर्टी से फाइट करने का जो एक गोल था हमारी गवर्नमेंट का, वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं कर पा रहा था। ये मेजर आउटकम था। उसके बाद में ये हुआ था फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कुछ और फाउंडेशंस की वो स्टार्ट हुए थे, लैंड रिफॉर्म्स के लिए मतलब ट्राई किया गया था, एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, फिर वाइट रेवोल्यूशन हुआ, एंड लेटर कुछ और डेवलपमेंट्स हुए। अब हम इनको अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स अब हम इनको आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके अंदर क्या हुआ कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ मेगा डैम्स, इस इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले बड़े बड़े डैम्स बनाने स्टार्ट किए। मैंने ये चीज़ तुम्हें पहले भी बताई थी कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए इन लोगों ने इरीगेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्होंने डैम्स का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था। स्टार्टेड अ नंबर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, मतलब कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी इंडस्ट्रीज़, क्योंकि जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ तो काफ़ी हैवी इंडस्ट्रीज़ स्टार्ट हुई। इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, मतलब एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ को लेके एक वाइस मतलब कंट्रोवर्सी रही है, पर कहीं ना कहीं जो सेकेंड जो हमारा 5 ईयर प्लान था उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर फोकस किया गया था। अब इसका आउटकम ये हुआ कि जो हैवी इंडस्ट्रीज थी उनको स्टार्ट करवाया किया गया, एंड जो इम्प्रूवमेंट था ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को की जो फैसिलिटीज़ थी उनको कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट पोजीशन पर लाया गया, ताकि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको एक अच्छी पोजीशन पर लाया जा सके। मेगा डैम्स का, डैम्स को कंस्ट्रक्ट करने का रीज़न ये था कि फर्स्ट जो एग्रीकल्चर में वहाँ पे बेनिफिट हो सके, और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी वाटर सप्लाई के लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें इजी हो सके। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये सब स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए थे, या ये सब इनिशिएटिव लिए थे, ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो सके और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी हो सके। क्योंकि हमने जब 5 ईयर प्लान्स को फर्स्ट और सेकेंड को पढ़ा था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो भी उतना ही, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्रीकल्चर जो है फर्स्ट इंडिया की मोस्ट ऑफ द जो पब्लिक है, या हम कहेंगे जो यहाँ की जो यहाँ के जो सिटीजन्स है, वो मोस्टली जो किसके ऊपर डिपेंड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो फूड प्रोडक्ट, मतलब कि जो फूड प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर है, इनके ऊपर डिपेंड है। इसलिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ज़रूरी था, क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बिना आप जो इस पर डिपेंड जो लोग हैं उनको आप अपलिफ्ट नहीं कर सकते हो कैसे भी करके। ये एक प्रॉब्लम थी। सेकंड जो था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इसलिए ज़रूरी था कि एक जो इकोनॉमिकली एक अच्छा ग्रोथ जो चाहिए था ना, एक सपोर्ट जो चाहिए था, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए थी, इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने के लिए एक सपोर्ट चाहिए था, वो सब किसकी वजह से मिल रहा था, वो सब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से था। एग्रीकल्चर बेसिस पर इस तरह से कम्पीट करना पॉसिबल नहीं था, एंड और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर
सेक्टर में अप करने के लिए टेक्नोलॉजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जब पहले जो एग्रीकल्चर होता था उसमें टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ नहीं किया जाता था। जितना टेक्नोलॉजीज़ अप होती है उतना कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होता है। अगर पहले के टाइम को देखें और आज के टाइम को देखें तो आज कई जगह बहुत फैसिलिटीज़ है टेक्नोलॉजीज़ की वजह से, क्योंकि पहले मैन पावर बहुत ज़्यादा थी, अब जो है वो मशीनरी ने प्लेस ली है, तो मशीनरी कहीं ना कहीं बहुत एफिशिएंटली वर्क करती है। थोड़ा टेक्नोलॉजीज़ की वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है, तो दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली थी, साइमल्टेनियस इम्पॉर्टेंट थी दोनों चीज़ें, एक कह सकते हैं अपोजिट नहीं कहा जा सकता इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर को, क्योंकि दोनों अपनी अपनी प्लेस पे उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। एक के बिना मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं है, क्योंकि एग्री चलो ठीक है बड़ी इंडस्ट्रीज डाल भी ली तो आप फूड नीड कैसे पूरी कराओगे कंट्री की बिना एग्रीकल्चर के, क्योंकि फूड इज़ अ बेसिक नीड। इंसान जैसे वो कहते हैं ना फूड के बिना पॉसिबल नहीं है, तो उस फूड नीड को पूरा कराने के लिए एग्रीकल्चर ज़रूरी है और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज़ ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ें जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, ये एक पॉइंट था इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर चल रहा था कि लैंड रिफॉर्म्स। अब लैंड रिफॉर्म्स क्या था, अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम, ये हम लोगों ने जब डिस्कस कर रहे थे अगर आप लोगों ने ये मतलब क्या कहते हैं उन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है उसमें कहीं ना कहीं ये बैन एक पॉइंट है कि जो ज़मींदारी सिस्टम है उसे गवर्नमेंट ने अबॉलिश किया है, ठीक है। तो ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया गया, रिलीज लैंड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट अमंग लैंडलेस पीजेंट। अब क्या हुआ था कि ज़मींदारी सिस्टम को तो फिनिश किया गया, लैंड रिफॉर्म्स हुआ था, एक जो इन सब का आउटकम था, एक मेजर आउटकम ये था कि लैंड रिफॉर्म्स के लिए गवर्नमेंट ने वर्क करना स्टार्ट किया था, उन्होंने ज़मींदारी सिस्टम को पूरी तरह फिनिश किया एंड उन्होंने जो लैंडलॉर्ड्स थे उनसे ज़मीन को रिलीज़ कराया, लैंड्स को रिलीज़ कराया, और उसके बाद में जो लैंडलेस पीजेंट्स थे उनमें रीडिस्ट्रीब्यूट करी थी इन लैंड्स को। क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि जब पहले के टाइम पे जब वो रहते थे, पहले जो सिस्टम होता था उसमें क्या होता था कि जो ज़मींदार होते थे वो एक स्मॉल अमाउंट लैंड, जैसे किसी फार्मर के पास में एक छोटा लैंड का पीस है, ठीक है, छोटा लैंड पार्ट है उसके पास, वो क्या करते थे अगर उन्हें किसी भी चीज़ की नीड है, अगर उन्हें फिनेंशियली नीड है, तो वो क्या करते थे ज़मींदार के पास जाते थे, ज़मींदार से रुपीज़ बोरो करते थे और उसमें एज अ सिक्योरिटी वो क्या करता था, वो जो लैंड के जो पेपर्स होते थे वो उनके पास रखा ले, और वो जो लैंड पेपर्स रखवाए जाते थे वो इतने कम अमाउंट पर रखवाए जाते थे कि कुछ टाइम के बाद में अगर वो उसे रीपे नहीं कर पाता था, और रीपे वाली कंडीशन पर, क्योंकि उस टाइम पे जो वो लोग लगाते थे इंटरेस्ट लगाते थे वो बहुत ज़्यादा था, इंटरेस्ट पे करते करते ही जो फार्मर थी उनकी पोजीशंस ख़राब हो जाती थी, तो ये सारे बहुत गंदा सिस्टम उस टाइम पे चल रहा था। तो इन गवर्नमेंट ने क्या किया, जो लैंड लॉर्ड्स थे उनसे कहीं ना कहीं ये लैंड को रिलीज़ कराया और रीडिस्ट्रीब्यूट किया कि में लैंडलेस पीजेंट्स में, रिड्यूस द रोल ऑफ लैंड लॉर्ड्स इन पॉलिटिक्स, मतलब लैंड लॉर्ड्स का ना रोल भी काफ़ी कम कर दिया पॉलिटिक्स में भी, कि लैंड लॉर्ड्स एक्चुअली क्या थे कि वो एक इकोनॉमिकली साउंड पर्सनैलिटीज हुआ करते थे, उन्हें इकोनॉमिकली कोई इशूज़ नहीं होते थे, तो कहीं ना कहीं उनका एक वो रहता था कि पॉलिटिक्स में भी उनका एक इन्फ्लुएंस रहता था कि वो पॉलिटिक्स में भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते थे। तो जो लैंडलॉर्ड्स था उनके रोल को रिड्यूस किया गवर्नमेंट ने ताकि उनके रोल को कम करे, तो वो लैंडलेस जो पीजेंट्स हैं उनको हेल्प कर सके। अब क्या था इसमें लिमिटेशन क्या थी, अपर लिमिट ऑन होल्डिंग एग्रीकल्चर लैंड एंड सिक्योरिटी अगेंस्ट एवेक्शन वर नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। पर ये जो था ना, मतलब जो बहुत ज़्यादा अपर लिमिट पर ये सारी चीज़ें नहीं प्रॉपर उतनी इम्प्लीमेंट हो पाई थी जितनी अच्छे से ये इम्प्लीमेंट होनी चाहिए थी, ये एक मेजर प्रॉब्लम था लैंड रिफॉर्म्स के उसमें आई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे सामने पॉइंट द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था कि एक
लार्ज स्केल पर वो हुआ था, प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था एग्रीकल्चर में, मतलब बहुत अच्छे लेवल पर ये प्रोडक्शन का, कंसंट्रेटेड ऑन ऑलरेडी डेवलप एग्रीकल्चर एरियाज इन नॉर्थ इंडिया. मतलब नॉर्थ इंडिया के जो भी वो थे एरियाज थे, वहाँ पे जो प्रोडक्शन था या एग्रीकल्चर जो डेवलप्ड था वो काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ था. गवर्नमेंट ऑर्डर हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, गवर्नमेंट ने क्या किया था, काफ़ी अच्छे सीड्स अवेलेबल करवाए थे, फर्टिलाइजर्स बहुत अच्छी वो कहते हैं ना अच्छी क्वालिटी के फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स अवेलेबल करवाए थे, बेटर इरीगेशन एंड सब्सिडीज प्राइज, फ्लोर प्राइज ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. अब क्या हुआ था, ठीक है, एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्टार्ट हुई थी, और ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था ये एक बहुत अच्छा बूम था उस टाइम पीरियड में. उसमें क्या हुआ था कि काफ़ी सारे एरियाज थे जहाँ पे जो कहते हैं ना प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे ऑफर्स निकाले, तो उन ऑफर्स में ये था कि जो वेराइटी है हाई यील्डिंग जिनसे मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके, उस तरह के सीड्स को अवेलेबल कराया गया था, फर्टिलाइजर्स अवेलेबल कराए, पेस्टिसाइड्स अवेलेबल कराए, इरीगेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया, सब्सिडी प्राइजेस बढ़ाया गया. सब्सिडी क्या होता है कि रिटर्न अमाउंट दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सब्सिडी. गवर्नमेंट की तरफ से अगर दिया जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड सब्सिडी. फ्लोर प्राइस ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और जो प्राइजेस थे वो फिक्स किए गए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे. अब था अदर डेवलपमेंट्स, ग्रोथ ऑफ लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन, राइज ऑफ मिडिल क्लास. मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन थी लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन, ये इसने ग्रोथ करी थी. एक और जो कह रहे थे, पहले कहा गया था पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के टाइम पे, कि उस टाइम पे जो एक और नई क्लास जो राइज हुई थी. अब क्या हुआ था, ये जो मिडिल क्लास थी उसमें जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में जो मिडिल क्लास क्रिएट हो रही थी, वो मिडिल क्लास का रीज़न था पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज. बट यहाँ पे जो मिडिल क्लास का जो था पॉइंट था वो ये था कि ये जो मिडिल क्लास थी वो पीजेंट थे जो पहले पॉवर्टी में आते थे, और वो अब प्रोडक्शन करके मतलब प्रोडक्शन वगैरह करके एक अच्छी पोजीशन पर आए हैं, इसलिए वो किस कैटेगरी में आ गए, मिडिल क्लास में. ये पब्लिक सेक्टर वाला मिडिल क्लास नहीं था, ये एग्रीकल्चर में मिडिल क्लास डेवलप होता, क्योंकि कहीं ना कहीं जब प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो पॉवर्टी वाला जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट हुआ तो उनकी लाइफ जो थी वो थोड़ी सी अप लेवल पर आई, और उस अप लेवल से वो किस कैटेगरी में आने लग गए, मिडिल क्लास कैटेगरी में आए. जो जिन्होंने इस ग्रीन रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज किया, उनका पॉइंट ये था कि ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है, वो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो रिच पीजेंट्स को ही उसने बेनिफिट दिया है सबसे ज़्यादा, ना कि जो ये वो है स्मॉल पीजेंट है उनको उसने कहीं बेनिफिट नहीं दिया है, ठीक है. फिर था कंसंट्रेटेड इन, मतलब ये मेनली कहाँ कहाँ पर ज़्यादा रहा था इसके बारे में बताया गया है. इसके अंदर बताया गया है कि वीट प्रोडक्शन पर फोकस सबसे ज़्यादा किया गया था इसके अंदर, और जो मेनली जो इसका एरिया रहा था वो ये रहा था पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ही रहा था इसका मेजर जो ये थी कहते हैं ना मेजर एरिया जो था वो यही इन्हीं पर ही रहा था. बाकी एरियाज में ये ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं हुआ, मतलब इतना जो कहते हैं ना मतलब इतना अच्छे लेवल पर प्रोडक्शन बाकी एरियाज में नहीं हुआ जितने कि वो क्या कहते हैं बाकी एरियाज में उतना प्रोडक्शन नहीं था जितना मेनली इन एरियाज में हुआ था पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न वो उत्तर प्रदेश में, ठीक है. अब इसके अंदर यही था जो मतलब ठीक है क्रिटिसाइज़ किया गया, क्रिटिसिज्म हर एक चीज़ में होता है, ऐसी बात नहीं है. तो कहीं ना कहीं जिसमें जैसे लैंड रिफॉर्म में बताया था कि लैंड रिफॉर्म के टाइम पे जो गवर्नमेंट थी उसने ट्राई किया था कि जो बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनसे लैंड ले के और जो लैंडलेस पीजेंट्स हैं उनको लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट की जाए, पर उसके अंदर एक पॉइंट ये भी आया था कि इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उतनी एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाई है, ये जो रूल था वो उतनी अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया कि सारे लैंड ओनर्स से लैंड ले ली जाए. ये उन्हीं के लिए था जो मतलब
एक मिड उस पर आकर रहते हैं, जो जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उनसे ये सारी लैंड लेने में गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, ये एक क्रिटिसिज्म था। तो उसी क्रिटिसिज्म का जो इम्पैक्ट था वो ग्रीन रेवोल्यूशन के क्रिटिसिज्म पे आया था कि जो रिच पीजेंट्स थे या जिन जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे वो मच बेनिफिशियर रहे थे, मतलब उन्हें ही सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ था, जो स्मॉल पीजेंट्स थे उनको इसका बेनिफिट नहीं हुआ था। जबकि एक जो पॉइंट था जो इसके इसमें व्यू था कि इसके थ्रू जो क्लास जो आई, एक और जो क्लास राइज हुई वो थी मिडिल क्लास। एक मिडिल क्लास जो राइज क्रिएट हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के वजह से। और एक जो मिडिल क्लास अपॉइंट मतलब स्टार्ट हुई थी वो किसकी वजह से हुई थी, ये ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन मतलब जो मिल्क प्रोडक्शन था वो काफ़ी अच्छी पोजीशन, मतलब काफ़ी अप लेवल तक हुआ था ये प्रोडक्शन, इसलिए दैट इज़ कॉल्ड, उसमें वीट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ वो ग्रीन से रिलेटेड है, तो वो ग्रीन रेवोल्यूशन और ये मिल्क से और मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड है, दैट इज़ कॉल्ड वाइट रेवोल्यूशन। बाय गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। ये जो रेवोल्यूशन आया था वो किसके थ्रू आया था, गवर्नमेंट कोऑपरेटिव मिल्क एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड से स्टार्ट हुआ था। इम्पॉर्टेंट रोल बाय वर्गीस कुरियन, जो वर्गीस कुरियन थे उन्होंने इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, एंड उनको मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, याद रखना अगर वन मार्क्स में क्वेश्चन आता है या जनरली ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि वाइट रेवोल्यूशन के मतलब जो पर्सन था, मेन पर्सन जो था वाइट रेवोल्यूशन का वो कौन था, वो था वर्गीस कुरियन थे, मिल्कमैन ऑफ इंडिया। अमूल बेस्ड इन आनंद गेव अ यूनिक पैटर्न फॉर रूरल डेवलपमेंट पॉवर्टी एलिवेशन। अब क्या था कि जो अमूल की एक मतलब एक अमूल जो कहते हैं ना आनंद नाम से, वहाँ पे एक वो थी डेयरी थी कह सकते हैं हम लोग इस चीज़ को, उसके अंदर क्या हुआ था कि उन्होंने एक वो दिया था कि एक पैटर्न दिया था रूरल डेवलपमेंट प्रॉपर्टी एलिवेशन के लिए। अमूल पैटर्न इज़ नोन एज वाइट रेवोल्यूशन, ये जो पैटर्न उसने दिया था वो वाइट रेवोल्यूशन के नाम से फेमस है। ऑपरेशन फ्लड इन 1970, और ये जो ऑपरेशन हुआ था वो कब हुआ था, ये ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है इसे, ये 1970 में हुआ था टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। इसमें टोटली किस पे फोकस किया था, फोकस किया गया था मिल्क प्रोडक्शन पर फोकस किया गया था। ये सिर्फ मतलब ये नहीं था कि यहाँ पे सिर्फ डेयरी से रिलेटेड वर्क ही हो, इसके अंदर ये था, इसका मेन फोकस ये था कि जो जो विलेजेस में रहने वाले जो लोग हैं जिनके पास लैंड नहीं है पर उनके पास खुद के वो तो हैं, खुद के कैटल्स तो हैं कहीं ना कहीं, उनसे उन्हें बेनिफिट दिया जाए, उन्हें ऑक्यूपेशन दिया जाए, उनकी जो पॉवर्टी है उसे दूर किया जाए, ये एक क्वेश्चन था। थर्ड थिंग जो इन्होंने किया था इस वाइट रेवोल्यूशन टू एलिमिनेट मिडिल मैन। अब क्या होता था कि जैसे गांव से मिल्क आया, मिल्क को एक जना परचेस करता था फिर वो एक मतलब कंपनी में पहुंचाता था, तो वो जो बीच के जो मिडिल मैन थे, जो बीच में एक कनेक्टर थे मतलब कैटल कैटल जिनके पास थे उनके और कंपनी के बीच में या बड़ी डेयरीज के बीच में जो मिडल मैन थे उनको हटाया गया, ताकि जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो सीधे किनको मिल सके, उन लोगों को मिल सके जो कि रियली इसका ये सारा वर्क करते हैं। ठीक है, टू एश्योर द प्रोड्यूसर आ रेगुलर इनकम, और ये अश्योर किया गया कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए ये एक रेगुलर इनकम सोर्स बने। ऐसा नहीं हो कि ठीक है जितने मतलब कुछ टाइम इनकम हुई और बंद हो गई, ऐसा नहीं हुआ, एक रेगुलर इनकम का सोर्स बनाया गया इस चीज़ को। और मिडिल मैन को एलिमिनेट करने का रीज़न ये था कि कहीं ना कहीं जो एक बेनिफिट का जो एक पोर्शन रहता था वो ये मिडिल मैन ले लिया करते थे, कि होता नहीं है जनरली कि एक जो कहते हैं ना हम लोग की एक वो रहता है, एक तो रहता है रिटेलर, एक होता है होलसेलर। होलसेलर क्या करता है, होलसेलर फैक्ट्री से कुछ परसेंट कुछ अमाउंट ज़्यादा पे होलसेलर सेल करता है, होलसेलर से थोड़े से ज़्यादा होलसेलर से ख़रीदने के बाद रिटेलर जो होता है उसमें थोड़ा सा प्राइस और अप करता है और फिर वो आगे रिटेल प्राइस में बैठता है। तो ये जो प्राइस अप होता है उसका जो वो होता है ना मतलब लॉस, वो किसको होता है,
वो होता है नॉर्मली पब्लिक को ये लॉस होता है। अब सेम चीज़ उसमें क्या चल रही थी कि जो कैटल वाले जो कंपनी जो प्राइस दे रही थी मिल्क के लिए, वो पूरा का पूरा उन लोगों के पास नहीं पहुंचा था, रूरल एरियाज में नहीं पहुंच रहा था, बल्कि उसका कुछ पोर्शन कौन खा रहे थे, बीच के जो मिडल मैंस थे वो लोग खा रहे थे। तो उन्होंने क्या ट्राई किया कि मिडल मैन को इन्होंने इस बीच में से हटा ही दिया, ताकि ये क्या हो सके, मिडल मैन हट जाएंगे तो कहीं ना कहीं काफ़ी थोड़ा बेनिफिट, इनका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा और बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे जाके इसके अंदर जो पढ़ेंगे आगे, और मतलब जो टॉपिक है इसके अंदर कंपैरिजन वगैरह कुछ किया गया है, एंड जो चेंजेस आए थे लेटर, जो डेवलपमेंट्स हुए थे उनके बारे में अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।